सो लास्ट वीडियो में हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यूज कर रहे थे, 50 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे, नाउ 51 है हमारे पास की। डैश जॉइंट आर कनेक्टेड बाय अ फाइब्रो कार्टिलेज आर हायलिन कार्टिलेज हमारे पास। सो फाइब्रो कार्टिलेज आर हायलिन, तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री बिटवीन रिस्ट एंड एंकल, तो ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट आर स्ट्रेंथेड बाय अ नंबर ऑफ बैंड लाइक दैट इज लिगामेंट, क्योंकि ये बोन टू बोन कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ऑफ 1 फीट इनटू अ ट्रफ शेप सरफेस, तो ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है, ये हमारे पास हिंग जॉइंट है। और स्पेरिकल ऑफ हेमिस्फीयर हेड ऑफ वन अनदर आर्टिकुलेट विद अ कप लाइक सॉकेट ऑफ अनदर, तो ये हमारे पास बॉल एंड सेकंड जॉइंट की डेफिनेशन है। हिंग जॉइंट परमिट मूवमेंट इन टू प्लेन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हमारे पास, ठीक है। In hinge strap on 1 feet out of swing, and then the joint permanent movement in one plane, that is one of the again. अच्छा देखो ना, सही टू प्लेन हम नहीं कह सकते क्योंकि ये दो प्लेन में मोशन तो नहीं। अब देखो ना, एक अगर जब हम एक ऊपर ले जाएंगे ना, बस एक वही एक ही मोशन है हमारे पास, ठीक है। और जब वापस आ रहा है ना, वो तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, वो तो फिर दोबारा नहीं, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वन प्लेन हमारे पास फिर इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है कि बॉल एंड सेकंड जॉइंट, वो फिर टू प्लेन हमारे पास उसमें करेक्ट है, ठीक है। अब एक ऊपर ले आते हैं और एक अगर लेफ्ट टू राइट आप ले जाओ, ठीक है, फिर वो सेकंड प्लेन हो जाएगा। एल्बो एंड नी जॉइंट, वो हमारे पास हिंग जॉइंट की एग्जांपल में आते हैं। शोल्डर एंड हिप जॉइंट, वो हमारे पास बॉल एंड सेकंड, क्योंकि वो दो प्लेन में जाते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन में भी, अच्छा ये हमारे पास जेनेटिक भी हो सकते हैं, हार्मोनल भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी की वजह से भी हो सकता है। सो ऑल ऑफ दिस, द इनर जेल लाइक पोर्शन आर एस्केप इन टू द सराउंडिंग टिश्यू इज कॉज्ड बाई, ये हमारे पास कौन सी बीमारी है, इट इज डिस्क स्लिप, ठीक है। जब हमारे पास इनर जेल लाइक पोर्शन होता है वर्टिब्री में, वो बाहर निकल आए, तो ये हमारे पास डिस्क स्लिप वाली कंडीशन कहलाती है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास ये हमारे पास शॉक अब्जॉर्बिंग पेड्स होते हैं ना, इनकी वजह से होता है, अगर बहुत बड़ा शॉक लग जाए हमारे पास, सो स्लिप हो जाते हैं ये, फिर अपनी जगह से वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है कि द लीकी ऑफ जेली लाइक सबस्टान कैन प्लेस प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड और सो और ऑन द एडजेसेंट नर्व्स, जो इसके साथ पड़े होते हैं उनको भी ये शॉक दे सकते हैं। द लीकिंग ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस विच कॉज पेन डिस्क टू स्लिपिंग इज कॉल्ड, तो वो डिस्क फिर हमारे पास हेरिनेटेड डिस्क कहलाती है, ठीक है। द लॉस ऑफ नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड स्पोंडियोलाइसिस, या इसके लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, कि द लॉस ऑफ नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर या फंक्शन एंड फंक्शन इज कॉल्ड स्पॉन्डियोलाइसिस या स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्पॉन्डियोलाइसिस कैन इफेक्ट सो सर्विकल थोरेसिक लूम्बर, ये सारों को इफेक्ट कर सकता है। अलाउदी स्कियाटा डज नॉट रेफर टू, इसका क्या मतलब नहीं हो सकता, पेन इन लंग हो सकता है, वीकनेस नंबर इन लंग, टिंगलिंग इन द लेग, लेग होगा ये, लंग नहीं होगा, सॉरी लेग होगा, ठीक है, पेन इन लेग, सो नन ऑफ दीज हमारे पास, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है कि स्कियाटा इज कॉज्ड बाय इंजरी टू अ प्रेशर टू द सो टू द स्कियाटिक नर्व्स, ठीक है। अ पेन डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द नैरो मसल इन द बटक्स आर कॉल्ड, सो वो हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज पिरीफोर्मस सिंड्रोम। Which one of the following does not cause sciatica? Slip disc cause करता है, periphenorous syndrome अभी हमने पढ़ा करता है, pelvic injury or fracture tumors करता है, so none of the any joint of the body can be affected by, so any joint of the body can be affected by arthritis, it is a inflammation of joint, arthritis is the leading cause over the age of 65 हमारे पास correct है, ठीक है। पेन स्वेलिंग स्टिफनेस रेडनेस इनएबिलिटी आर सिम्टम अर्थराइटिस की, ब्रोकन बोन इन्फेक्शन ऑटो इम्यूनिटी वेयर एंड टियर जॉइंट आर काज ऑफ, सो ये भी हमारे पास अर्थराइटिस के काज हैं, ठीक है। फ्रैक्चर इन द मेडिकल टर्म फॉर द ब्रोकन बोन के लिए हम फ्रैक्चर टर्म यूज करते हैं, द फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन बोन इफ स्ट्रॉन्गर देन द बोन इट सेल्फ कैन काज,
सो इट कैन काज बोन फ्रैक्चर काज होता है हमारे पास. डैश आर दोज बोन फ्रैक्चर टाइप इन विच स्किन इज इंटैक्ट. तो वो हमारे पास सिंपल फ्रैक्चर होते हैं या क्लोज सिंपल फ्रैक्चर. और इफ इन डैश बोन एंड पेनिट्रेट द स्किन एंड फॉर्म वाउंड तो ये हमारे पास फिर कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है. ठीक है, फिर हमारे पास है कि फॉर सिंपल फ्रैक्चर द हीलिंग टाइम उसके लिए हमारे पास कम होता है 6 to 8 weeks. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टॉप ऑफ रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर बोन. तो हेमाटोमा कार्टिल कैलस बोनी कैलस रिमोडलिंग ये सारे हमारे पास इसमें इंक्लूड है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप होगा हमारे पास. ठीक है, नॉट स्टेप रॉन्ग है हमारे पास. स्टारिस रिपेयर इन सिंपल फ्रैक्चर में हेमाटोमा फॉर्मेशन भी हो सकता है, फाइब्रोकार्टिलेज कैलस फॉर्मेशन हो गए, बोनी कैलस हो गए, रिमोडलिंग हो गए हमारे पास. ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर बोन. ये इस तरह होगा. बोन व्हेन ब्रेक टिश्यू एट द साइड बिकम सो स्वोलन भी हो जाते हैं, पेनफुल भी करते हैं, इन्फ्लेम भी होते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट. सॉफ्ट ग्रेनुलेशन टिश्यू इज कॉल्ड, दिस टिश्यू इज कॉल्ड फाइब्रोकार्टिलेजेनस कैलस फॉर्मेशन. ठीक है, कार्टिलेज मैट्रिक्स इज सेक्रेटेड बाय सो कॉन्ड्रोसाइट सेक्रेट करते हैं ये कॉन्ड्रोब्लास्ट. अच्छा, कॉन्ड्रोब्लास्ट हमारे पास बहुत करेक्ट है. व्हाई, क्योंकि ये हमारे पास इमैच्योर होंगे. ठीक है, जैसे ओस्टियोब्लास्ट है हमारे पास, वो इमैच्योर होते हैं. तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेक्रेट कार्टिलेज मैट्रिक्स. बोनी कैलस फॉर्मेशन कंटिन्यू अंटिल अ फर्म यूनियन इज फॉर्म्ड अबाउट सो ऑलमोस्ट हमारे पास 2 months later is correct हमारे पास. ठीक है, फिर है क्या, dislocated joint is a joint that slip. तो वो अपने place से slip हुआ होता है. ठीक है, out of place. A severe dislocation can cause tearing of the so tearing of the ligament muscle या tendon all of these cause of joint dislocation. किसकी काज हमारे पास क्या हो सकती है, ब्लो ऑफ जॉइंट, फॉल ऑफ जॉइंट, ट्रोमा ऑफ जॉइंट सारे हो सकते हैं. सिम्टम ऑफ जॉइंट डिसलोकेशन आर इसके सिम्टम में हमारे पास स्वेलिंग हो सकती है, इंटेंस पेन, इमोबिलिटी, ऑल ऑफ दीज करेक्ट हैं. रियूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन आल्सो काज सो इट कैन आल्सो काज हमारे पास जॉइंट डिसलोकेशन. अ स्प्रेन इज एन इंजरी टू स्प्रेन जो है ना ये हमारे पास इंजरी होती है लिगामेंट को. Commonly injured ligament are the so commonly injured ligament में हमारे पास ankle, knee, wrist सारे आ जाते हैं. sprain are usually treated with sprain को हम icing या physical therapy, dressing, AC wraps all of these सारों से कर सही कर सकते हैं. muscle is a specialized tissue of mesodermal origin. the half of human body is made by muscle से हमारे पास बना हुआ है. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मसल 650. द फंक्शन ऑफ मसल आर टू कन्वर्ट केमिकल इनर्जी इन टू सो वो केमिकल इनर्जी को हमारे पास मैकेनिकल इनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मसल स्केलेटल स्मूथ कार्डिक सारे मसल के टाइप हैं हमारे पास. स्केलेटल मसल आर अटैच टू एंड कवर द बोनी स्केलेटन. सी ऑप्शन कोरेक्ट है. फिर है डैश इज लॉन्गेस्ट मसल सो स्केलेटल मसल जो है ना ये हमारे पास लॉन्गेस्ट मसल है. विच वन इज वॉलेंट्री सो स्केलेटल मसल हमारे पास वॉलेंट्री में आता है. एंड विच वन इज इनवॉलेंट्री तो कार्डिक और स्मूथ मसल जो है ना ये हमारे पास इनवॉलेंट्री है. ठीक है, यहाँ पे हम अपने एम सी क्यूज की डिस्कशन ख़त्म करते हैं. इससे जो लास्ट वीडियो होगी उसमें फिर बस एम सी क्यूज की डिस्कशन सपोर्ट एंड मोमेंट की ख़त्म हो जाएगी.